महाराष्ट्र में सरकार का सियासी संकट बरकरार है और इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में 26 विधायकों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है जिनकी बगावत पर, लेकिन इस विवाद पर अब केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि महाराष्ट्र में कमल खिल रहा है, यानी बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का क्या कुछ बयान है हम आपको सुनवाते हैं। सेना से आपका गठबंधन रहा है, लेकिन आज उद्धव सरकार पे संकट नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे और 20 से ज्यादा विधायक जो हैं फिलहाल ब्रीच में नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं संकट को जो महाराष्ट्र? मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाजपा का कमल खिल रहा है महाराष्ट्र में भी। अपने दम पर हम लोग जब भी चुनाव होंगे वहाँ सरकार बनाएंगे। तो आपको लगता है कि शिवसेना के दिन पूरे हो रहे हैं? शिवसेना के दिन तो उसी दिन पूरे हो गए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके वो कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठ गए, और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना का मतलब तालमेल होने का कोई एक तरफ किसी समुद्र का दो किनारा है, नदी का दो किनारा है, और जब दोनों एक साथ आए हैं तो जनता समझ गई कि इनको सत्ता प्यारी है, इनको जनता प्यारी नहीं, इनको विचारधारा प्यारी नहीं है, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की भी भूमिका है इन सब में। भाजपा को क्या भूमिका अदा करने की जरूरत है? हमें भूमिका अदा करना होता तो ये तीनों दलों की सरकार ही नहीं बन पाती। वो तीनों दल एक होकर के राज्यपाल जी को जाकर के कहे कि हम तीनों एक हैं, तो जाओ एक होकर के सरकार चला लो। लेकिन एक होकर के सरकार चलते हुए क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र की चर्चा पूरे देश में होती थी, अच्छे तरीके से होती थी, आज नहीं हो रही अच्छी चर्चा।